गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। Grab the coolest deals of the season with JioMart Summer Ready Sale from 6th April to 8th. ओके तो आज हमें फर्स्ट जो मूल कांसेप्ट जो टॉपिक अछि हमें ता ऊपर ठीक है कांसेप्ट डिस्कशन करबा देन हमें एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करबा फर्स्ट समस्त ठीक है जॉइन कर जाओ देन हमें स्टार्ट करियो। गुड मॉर्निंग हमें स्टार्ट करिबा तो माने समस्त जानिथिबो मोल कांसेप्ट जो टॉपिक टा अछि जोटा हमरो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अंडर आसुछि मोल कांसेप्ट कोनोसी भी एग्जाम हो मोल कांसेप्ट ओटे एमिति गोटे टॉपिक जोथरो मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको मिलिबो दुईटा तीनटा एमिति तुमको क्वेश्चन मोल कांसेप्ट ऊपर मिलिबो तो फर्स्ट हमें मोल कांसेप्ट रो किछि कांसेप्ट डिस्कशन करिबा देन हमें तारो न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा। तो पर्टिकुलरली जेतेबेळे आमे मोल वर्ड आमे माइंड भितरु कासे जेतेबेळे आमे मोल वर्ड आमे माइंड भितरु कासे सेतेबेळे पर्टिकुलरली आमे माइंड भितरु को गोटे नंबर आसे जो नंबर टा होची एवोगाड्रोस नंबर। पर्टिकुलरली आमे माइंड को जेतेबेळे आमे मोल कांसेप्ट विषय डिस्कशन करंती सेतेबेळे फर्स्ट आमे माइंड भितरु को जो नंबर टा आसे सेटा होची एवोगाड्रोस नंबर। तो ए जो एवोगाड्रोस नंबर देन आ सहित मोल कांसेप्ट रो रिलेशनशिप को तो पर्टिकुलरली मोल कहले आमे केवल गोटे नंबर को ही बुझुचंती गोटे ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर जोटा को आमे मोल कांसेप्ट रे कहले बुझुचंती। फॉर एन एग्जांपल सिंपली जदि मु तुमको कहूची 1 मोल ऑफ O2 1 मोल ऑफ O2 ता कहिबार माने ही केवल 1 मोल मींस तार कहिबार माने ही केवल एतिकीटा O2 1 मोल ऑफ O2 कहिबार माने होजी एतिकीटा O2 ता माने मोल कहिबा जहा एतिकी ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर कहिबा से देन आमे मोल काहे के यूज करचोंदी जदि मोल कहिबा जहा ए नंबर यूज करिबा से या देन मोल आमे काहे के यूज करचोंदी तो मैं देखिबो भलसे से नंबर को तो मैं भलसे नंबर को देखिबो एटा गोटे बडा नंबर टे गोटे ह्यूज नंबर एटा तो एते बडा नंबर को बारंबार रिपीट न करी आमे कोन करू चंदी ना मोल बेली गोटे सिंपल वर्ड आमे यूज करू चंदी ठीक अछि। तो सेथि पई जते बेला तमे सुनिथिबो कोनसी गोटे केमिकल रिएक्शन तमे सुनिथिबो हाफ मोल ऑफ सब्सटेंस गोटे मोल ऑफ सब्सटेंस सहित रिएक्ट करू छी ए बेला वर्ड तमे सुनिथिबो देन ए मोल कैलकुलेट करिवार तरीका कोन छै जते बेला आमे मोल का मोल कांसेप्ट पढु चंदी त हमकु मोल कैलकुलेट करिवा जणाथिबो दरकार देन ए मोल कैलकुलेट करिवार तरीका कौन अच्छी तुम मैंने समस्त जानी चो मोल कैलकुलेट करिया पे फॉर्मूला कौन कौन अच्छी तुम पकड़े वोटे फॉर्मूला अच्छी गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट किंबा तुम ताको करि परबो मॉलिक्यूलर वेट। मोल कैलकुलेट करिया पे तुम पकड़े फॉर्मूला अच्छी गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट देन मोल कैलकुलेट करले हम कौन जानि परबा ना आम पाखे केतेटा पार्टिकल अच्छा एटा जानिया पाई हेले आमको मोल कैलकुलेट करिया पड़ो आम पाखे केतेटा पार्टिकल अच्छा एटा जानिबा पाई हेले
ଆମକୁ ମୋଲ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫର୍ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ? ऑक्सीजन एटॉमिक मास होची केते ना 16 एम। जमे जानि थिबो ऑक्सीजन जो एटॉमिक मास होची एटा होची 16 एम। जते बेले एटॉमिक मास कथा आसे सेते बेले आमे कोथरे एक्सप्रेस करंदी ना एटॉमिक मास यूनिट रे आमे ताको एक्सप्रेस करंदी जोटा को आमे कोचंदी एम यू। किंतु जदि मु एई सेम क्वेश्चन को तमको अलगा प्रकार पचारीबी कि गोटे मोल ऑक्सीजन रो गोटे मोल ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते, गोटे मोल ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते, देन कौन है जीवो ना जदियो तमरो नंबर सेम रहिबो 16 किंतु एबे एम उठा कन्वर्ट है जीवो ग्राम को। ता माने जदि मु तमको क्वेश्चन पचारे कि गोटे मोल ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते देन तमे कहबो 16 ग्राम। काहिं कि कारण गोटे एटम रो सिना मास हला एतिकी किंतु गोटे मोल ऑक्सीजन माने एतिकीटा ऑक्सीजन, गोटे मोल ऑक्सीजन माने एतिकीटा ऑक्सीजन। तो जते बेले गोटे मोल ऑक्सीजन नो मास आसीबो सेते बेले कोन पळे आसीबो ना 16 ग्राम पळे आसीबो। सिमिलरली तमे जानिछ ऑक्सीजन नो मॉलिक्युलर मास केते, ऑक्सीजन नो मॉलिक्युलर मास केते 32 AMU। गोटे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहिबी देन तार मॉलिक्यूलर मास हो केते ना 32 AMU। सिमिलरली मु जदि तुमको एटी क्वेश्चन पचारे गोटे मोल O2 रो मास केते ना नंबर सेम रहिबो दैट मींस 32 किंतु AMU कन्वर्ट हेजबो ग्राम को। तो डिफरेंस कोन हला ना गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रो मास होची 32 AMU किंतु गोटे मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, गोटे मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल माने बुझी पारछो गोटे मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मींस 6.022 × 10²³ एतिकी टा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रो मास केते हिजबो ना 32 ग्राम। गोटे ऑक्सीजन रो मास सिना एतिकी किंतु गोटे मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रो मास होची एतिकी। सिमिलरली सेम बहुत गुड़ा प्रकार हो पारिबो। जदि मु तुमको कहबी नाइट्रोजन आटम रो मास केते ना 14 AMU किंतु गोटे मोल नाइट्रोजन रो मास केते, गोटे मोल नाइट्रोजन आटम रो मास केते ना 14 ग्राम। ता माने जते बेले आमे आटम रो मोल को पळौचंती बा मॉलिक्यूल रो मोल को पळौचंती सेते बेले कोन होउची ना केवल कोउतरे फरक आसुची ना यूनिट रे फरक आसुची। गोटे मोल रो मास होची 14 ग्राम, गोटे एटम रो मास होची 14 AMU। देन क्वेश्चन आसुची तम एग्जाम रे को एरिया केमिति क्वेश्चन पचारुची से तम एग्जाम रे से क्वेश्चन पचारुची कि मो पाखरे एतिकी ग्राम रो गोटे सब्सटेंस अछि मते कुहो आ दिए रे केते मोल रो सब्सटेंस प्रेजेंट हेकि अछि नहले केते टा मॉलिक्यूल आथरे प्रेजेंट हेकि अछि एई टाइप रो क्वेश्चन तम एग्जाम रे आसुची। तो आम से गोटे एग्जांपल नहीं कि ट्राए कर मान्य तुमको से क्वेश्चन पचारा, क्वेश्चन से तुमको पचारा कि मो पाखे 6 ग्राम रो हाइड्रोजन आटम अच्छे, मो पाखे 6 ग्राम रो हाइड्रोजन आटम अच्छे से मत क्वेश्चन पचार कैलकुलेट, कैलकुलेट मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम, मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम मो पाखे 6 ग्राम रो हाइड्रोजन आइटम अछि से मते क्वेश्चन पचार छि कैलकुलेट द मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम केते मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम अछि से मते कैलकुलेट करिया पे क्वेश्चन पचार छि। देन केमती हे परबो एटा केते मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम अछि केमती कैलकुलेट करिवा
आंसर दियो। छ मोल आउ कार को आंसर अच्छे सिक्स मोल। तो मुझे तुमको सांगे सांगे कहली मोल कैलकुलेट करने कौन फॉर्मूला अच्छे। मोल कैलकुलेट करने फॉर्मूला हूँ गिवन वेट डिवाइडर बाय एटॉमिक वेट नहले मॉलिक्युलर वेट। जेहेतु सी मत क्वेश्चन दे हाइड्रोजन आटम से मत ये एटॉमिक वेट पुट कर गिवन वेट के ना 6 ग्राम। तार एटॉमिक वेट के हाइड्रोजन न तुम्हें समस्त जान एटॉमिक वेट हूँ तार एक देन के ना 6 मोल रे अच्छी ना हाइड्रोजन आटम अच्छे 6 मोल हाइड्रोजन आटम अच्छे। किंतु नेक्स्ट जदि यही क्वेश्चन टाक एमती कर था कि 6 ग्राम रो पाखे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अच्छी देन मत कह मो पाखे केते मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अच्छे। मो पाखे केते मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अच्छे जदि मो पाखे 6 ग्राम रो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अच्छी देन मो पाखे केते मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अच्छे। वर्षा तृप्ति टोटो ना टोटो आउ थे शुभलक्ष्मी आउ थे भूल अच्छी तीन मोल। अरे क्वेश्चन भल से शुण सी थर क्वेश्चन कौन पचार मत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पचार तो जो मोल कैलकुलेट करी एवं मोल कैलकुलेट करी मोर गिवन वेट तो हूँ 6 ग्राम किंतु एटी मत सी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देची तो ये एटॉमिक वेट न पकईकी मुझे कौन पकईबी मॉलिक्यूलर वेट पकईबी देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोटा एच टू आर मॉलिक्यूलर वेट हूँ के दुई तो ये कैलकुलेट कर छई ताने तीन मोल ठीक अच्छे। जदि सी मत 6 ग्राम रे हाइड्रोजन आटम रो मोल पचार देन 6 मोल जदि सी मत हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रो मोल पचार देन हूँ तीन मोल देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। ओके तो क्वेश्चन देखा तुमको ये क्वेश्चन टाक सॉल्व कले कौन आंसर आसो देखिए द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर। आम जान लें यहाँ कि गोटे मोल रे गोटे मोल आम क्या यूज कर गोटे मोल आम यूज कर यूज कर अवोगाड्रोस नंबर। तो सी मत क्वेश्चन पचार नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर ये तो आम आगु जानते से क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। तुम पाखे चार्टा ऑप्शन अच्छी चारिटा भितर कौ ऑप्शन रे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अच्छा चारिटा भितर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौटी अच्छा तो नंबर ऑफ एटम्स कतिर पहुंचापी आगे तुमको मोल कैलकुलेट करने को पड़ो मोल कैलकुलेट करने तुमको फॉर्मूला कही तो ये कैलकुलेट करी कह कौटी सब अधिक आटम अच्छा बी बी डी देन बाकी। तो फास्ट कथा मत कह आम जान लें तो सब मोल रे एतिकी आटम अच्छा सब मोल रे एतिकी आटम अच्छा एटा फिक्स देन चेंज किए करिवो ना नंबर ऑफ मोल जोटी अधिक मोल थी
ସେଇଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଧିକ ହବ, ଯୋଉଠି କମ୍ ମୋଲ୍ ଥିବ ସେଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ କମ୍ ହବ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋଲ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି କାହାର ନା ହିଲିୟମ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମୋଲ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ ଫର୍ମୁଲା କଣ ହବ ନା ଗିଭେନ୍ ମାସ୍ ଯୋଉଟା ହଉଛି 4 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ହିଲିୟମ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ ନା 4, ତ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 1 ମୋଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ ଆସିବ ସେଟା ଆସିବ 1। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋଡିୟମ୍ର ମୋଲ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ କଣ ଆସିଯିବ, ତାର ଗିଭେନ୍ ମାସ୍ ହଉଛି 46 ଆଉ ତାର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହଉଛି କେତେ ନା 23, ତ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 2 ମୋଲ୍ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର କେସ୍ କୁ ପଳାଇ ଆସ, 3 ନମ୍ବର କେସ୍ରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ମୋଲ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଗିଭେନ୍ ମାସ୍ ହଉଛି 0.4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହଉଛି 40। ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ କେତେ ହେଇଯିବ, 4/400, ତା ମାନେ 1/100 ମୋଲ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବ ମାନେ ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ହିଲିୟମ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ତମର ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଇଯିବ, ଗିଭେନ୍ ମାସ୍ ହଉଛି 12 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହିଲିୟମ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହଉଛି 4। ତ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 3 ମୋଲ୍। ତମ ଆଗରେ 4ଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ର ମୁଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ କୁହ କୋଉଠି ତମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୋଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ 4 ନମ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ 3 ମୋଲ୍ ମାନେ ସେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଲ୍ ସହିତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ, କାରଣ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ରେ ଏତିକିଟା ତ ଆଟମ୍ କମ୍ପଲସରୀ ରହିବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅଛି ତା ମାନେ ଏଠି 1/2 ଏଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି 2 ମୋଲ୍ ଅଛି ତା ମାନେ 2/2 ଏଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା 3/2 ଏଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ ନମ୍ବର। ତ ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଉଠି ରହିବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ନା ସେଟା ରହିବ 12 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ହିଲିୟମ୍ରେ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା କି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କୋଉଠି ରହିବ, ଦେନ୍ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କୋଉଠି ରହିବ ଏଇଠି, ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ରହିବ ଏଇଠି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ରହିବ ଏଇଠି। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କରିପାରିଲ ଦେନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେଟାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କେସ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କେସ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଏ ଯେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବାକି ବାକି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖ 18 ml ଅଫ୍ ୱାଟର ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ 18 ml ଅଫ୍ ୱାଟର ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ୱାଟର ଯୋଉ ଡେନ୍ସିଟି ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି 1 ଗ୍ରାମ୍/ml। ତ ଯୋଉଟା 18 ml ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି 18 ଗ୍ରାମ, କାରଣ ଯଦି ଡେନ୍ସିଟି 1 ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯାହା ହବ ୱେଟ୍ ସେଇଆ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନା ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର କୁ କଣ କରିପାରିବି ନା 18 ଗ୍ରାମ କରିପାରିବି। ଦେନ୍ ମତେ କଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ କହିଛି,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करिया पय हेले मते मोल कैलकुलेट करिया पडिवो। तो मोल केमती कैलकुलेट करिवि ना फास्ट रे तबले मु मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करिवि सतबले तार मास मोर आसी गला 18 डिवाइड रे बाय तमे जानि छौ वाटर रो मॉलिक्यूलर मास भी होची 18 सतबले कैलकुलेट करिवो केते आस जीवो ना 1 मोल आसी जीवो। सिमिलरली तापर तमे कोन करिवो सेकंड ऑप्शन ने कैलकुलेट करो मोल ऑफ वाटर सतबले तार मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करिवो गिवन मास होची 0.18 डिवाइड रे बाय 18 तो एटा केते आस जीवो ना 10 टू द पावर माइनस 2 मोल आस जीवो। यदि आपको सॉल्व करियो तो मैं 10 टू द पावर माइनस 2 मोल आस जीवो। तीन नंबर केस रे तो सी डायरेक्ट दे देई छी कि मोल ऑफ वाटर होची केते ना 10 टू द पावर माइनस 2 मोल। देन तापर नेक्स्ट कथा आसु छी चार नंबर केस रे हमें केमिति कैलकुलेट करबा नंबर ऑफ मोल कारण एटी तो से तार वेट देनी तो एटी नंबर ऑफ मोल केमिति कैलकुलेट करबा। तो सेति पई गोटे फॉर्मूला मन रखि देथिबो जेतेबेले से वॉल्यूम रे देइथाय जेतेबेले से वॉल्यूम रे देइथाय सेतेबेले मोल कैलकुलेट करिया पई फॉर्मूला होची गिवन वॉल्यूम जेतेबेले से लीटर रे देइची तार येटा वॉल्यूम टा देइची सेतेबेले तमे कोन करिवो ना गिवन वॉल्यूम डिवाइड रे बाय 22.4 जेतेबेले तमकु से वॉल्यूम देइकी वॉल्यूम इन लीटर देइची से तमकु जेतेबेले मोल कैलकुलेट करिया पई कहूची सेतेबेले तमे को फॉर्मूला लगेबो ना सेतेबेले फॉर्मूला लगेबो गिवन वॉल्यूम डिवाइड रे बाय 22.4 तमे यदि आकु सॉल्व करिवो देन केते हे जिवटा उपरटा मु 22.4 करकी 10 टू द पावर माइनस 4 कर दोउची डिवाइड रे बाय 22.4 कर दोउची यदि आकु तमे सॉल्व करिवो आंसर आ जिवो 10 टू द पावर माइनस 4। तो एबे यदि तमे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करकी देखिवो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करकी देखिवो देखो 18 केवल मैक्सिमम आसीची गोटे मोल बाकी सबु केस रे तमरो कम मोल आसीची ठीक अछि। तो क्वेश्चन पचार दिला कि कोडी सबुटर अधिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अछि तो अधिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मा अछि माने अधिक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अछि तो हमें कैलकुलेशन करले हमर फर्स्ट रेड रे केवल आसीला को कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अछि ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची तमरो देन हमें रिएक्शन को पढ़ाय आसीबा देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाय आसीबा ए क्वेश्चन डा हमें तोला सॉल्व करिबा ए क्वेश्चन डा सॉल्व करके मते को आंसर कोन आसी परबो से कहिछि कि एडा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिला कि द मोस्ट अब्युडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन अडल्ट गोटे ह्यूमन अडल्ट बॉडी रे कौन थाए ना ऑक्सीजन 61.4% थाए कार्बन 22.9% थाए हाइड्रोजन 10% थाए नाइट्रोजन 2.6% जहाँ दबा कथा देइछि से देन कहिछि कि गोटे मनीषर वेट 75 kg अछि गोटे मनीषर वेट 75 kg अछि तो जदि ता बॉडी रे जो हाइड्रोजन टा अछि सेटा को काढ़ी की माने हाइड्रोजन 1 टा को काढ़ी की जदि हमें हाइड्रोजन 2 को रिप्लेस कर दियंती देन ता बॉडी रो वेट केते बढ़ी जिवो। तम जानिचो हाइड्रोजन 3 टा फॉर्म रे मिले दुनिया रे गोटे होची हाइड्रोजन 1 प्रोटियम देन तम जानिचो हाइड्रोजन 2 जोटा तमे कहचो ड्यूटेरियम आ गोटे होची हाइड्रोजन 3 जोडा तमे कहचो ट्राइट्रियम एटा होची हाइड्रोजन नो तीन टांगो आइसोटोप ठीक अछि। से क्वेश्चन ने कहिछि कि गोटे ह्यूमन बॉडी रे गोटे 75 केजी रो मनीष अछि जा बॉडी रे हाइड्रोजन 10% रो अछि तमे जदि ता बॉडी रु हाइड्रोजन 1 को काढी दबो आ ताकू हाइड्रोजन 2 द्वारा रिप्लेस कर दबो देन तार वेट केते बढी जिवो श्रद्धासी बाकी वर्षा बी देन बाकी समस्ते ट्राई करो सॉल्व करिया पे भूल हेले चलिबो बी सी अभिप्सा सी तृप्ति बी
हरिहर सी देव सी आशाराणी सी देन बाकी पिला ट्राए कर मिष्टी सी शुभलक्ष्मी सी पायल सी बाकी समस्ते सौभाग्यनी सी चंदन सी मुन्नू सी ओके तो केमिति ट्राए करि परिया आमे सिंपल क्वेश्चन से हम पचार दिला सेम कि कॉम्प्लेक्स नथिला क्वेश्चन ने केवल गोटे बड़ा स्ट्रक्चर कर डर ट्राए कर कौन कहला कि गोटे ह्यूमन बॉडी अच्छी ठीक अच्छे ह्यूमन बॉडी रो मास होची 75 केजी ठीक अच्छे सिंपल जिन तुमको कहूँ 75 केजी होची ह्यूमन बॉडी रो मास तार केते परसेंट हाइड्रोजन अच्छी ना 10% हाइड्रोजन अच्छे जदि मु 75 रो 10% कैलकुलेट करी देन के 7.5 केजी ता माने कहला ना से मनीषर बॉडी रे जो मनीष कथा से मेंशन करिछि से मनीषर बॉडी रे 7.5 केजी रो कोन अछि ना हाइड्रोजन एटम अछि से मनीषर बॉडी रे 7.5 केजी रो H1 अछि से कहला मु H1 को कोन करबी ना रिप्लेस करबी कहा द्वारा ना H2 द्वारा तो मते गोटा कथा कह H1 रो मास जते H2 रो मास होची तार डबल H1 रो मास जते H2 रो मास होची तार डबल ठीक अछि ता माने H1 रो मास जते ता देर आउ गोटे H1 रो मास ऐड हेले जाय कि मोर H2 रो मास सहित इक्वल हो ठीक अछि तो सेम मनीषर बॉडी रे ऑलरेडी 7.5 केजी रो H1 थिला तो ताकु जते बेले मु H2 कर देबी तो मते एडिशनल कोन करियो पड़िबो ना आउ 7.5 केजी तादरे ऐड करियो पड़ कारण ऑलरेडी ता बॉडी रे 7.5 केजी रो H1 थिला तो मु जदी H1 को काढ़ी की सेडी कोन करबी ना H2 पुरेबी तो 7.5 केजी ऑलरेडी अछि देन एक्स्ट्रा 7.5 केजी ता दिरे इंक्लूड करियो पड़िबो से कहिछि कि तो वेट गेन केते ता बॉडी रे वेट चेंज होबो केते होबो ता बॉडी रे वेट चेंज होबो 7.5 केजी ता बॉडी रे चेंज होबो ठीक अछि अरे 15 केजी होची टोटलटा ठीक अछि टोटलटा माने H2 रो वजन ता दरे 15 केजी हे जइबो H2 रो वेट ता बॉडी रे 15 केजी हे जइबो किंतु आमे कोन करचोंदी ना H1 को तो ता जेरो रिप्लेस करचोंदी ना ता बॉडी रे आगुरु 7.5 केजी रो H1 थिला ताकु आमे काढ़ी की ता जेरे 15 केजी रो H2 पुरैचोंदी ता माने एक्स्ट्रा केते पुरैचोंदी से मते पचारछि एडी गोटे भल जिन देख से कही वेट व्हिच वुड गेन से केते एक्स्ट्रा वेट गेन कर तो 7.5 केजी तो थिला आमे एक्स्ट्रा एतिक तादर इंक्लूड कर ठीक अछि देन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सॉल्व करिबा ठीक अछि गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन आमे सॉल्व करिबा जोटा रिएक्शन ओरिएंटेड थी और तुम ट्राए कर सही टाइप रो क्वेश्चन गुड़ा मैक्सिमम करने कारण से टाइप रो क्वेश्चन ही तुम पेपर आसुचे ओके एटा गोटे सहजिया क्वेश्चन अच्छे ये आगे ट्राए कर व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड ये गोटे सहजिया क्वेश्चन अच्छे ट्राए कर समस्त सॉल्व करने ए अरे भल से ट्राई करो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज कंपोजिशन तुम भल से पढ़ी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे सही थ्रू आसी कि केते परसेंट रो कार्बन अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड रे श्रद्धा बी बाकी ट्राई करो शुभम बी पायल बी
आशाराणी बी तृप्ति बी हरिहर बी तनुश्री बी केमती कैलकुलेट करिवार अछि तमे जानिछो कार्बन डाइऑक्साइड रो मास केते तमे जे कार्बन डाइऑक्साइड रो मास कैलकुलेट करिवो केते हे जीवो तमे जानिछो कार्बन होउछि 12 ऑक्सीजन दीटा अछि गोटे ऑक्सीजन रो मास होउछि 16 देन टोटल मास होउछि तारो 44 कार्बन डाइऑक्साइड रो मास होउछि केते ना 44 ठीक अछि तो कार्बन डाइऑक्साइड रो मास आसीला 44 ता जेरु कार्बन नो कंट्रीब्यूशन केते अछि ना केवल 12 ठीक अछि कारण तमे कार्बन डाइऑक्साइड तले मास कैलकुलेट करतलो कार्बन नो 12 16 इनटू ऑक्सीजन नो 2 ता माने हे गला 44 एदरे कार्बन नो कंट्रीब्यूशन केते ना 12 तो तमे जेतेले परसेंटेज कैलकुलेट करो केमिति कैलकुलेट करो नै गिवन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 गिवन डिवाइडर बाय टोटल इनटू 100 आगे दळे कैलकुलेट करबो केते 3/11 इनटू 100 एटा भी दळे सॉल्व करबो केते हे जीवो ना 27.27% 27.27% ना प्रॉब्लम अछि कारो व्हाट इज द मास परसेंटेज एबे हेई परबो ए टाइप रो क्वेश्चन ओके तो ए टाइप रो सेम क्वेश्चन गोटा मु तुमको दोउ छी तब माते कैलकुलेट करि को कैल्शियम कार्बोनेट रे कैल्शियम रो परसेंटेज केते अछि कैल्शियम कार्बोनेट रे कैल्शियम रो परसेंटेज कंपोजिशन केते कैलकुलेट करि को जल्दी कैलकुलेट करो तनुश्री 40 बाकी टुटू 40 वर्षा 40 स्वाधीन 40 केमती कैलकुलेट करिवार तिला तमे जानिछो कैल्शियम कार्बोनेट रे कैल्शियम होउछि 40 कार्बन होउछि 12 तीनटा ऑक्सीजन अछि त माने 16 इनटू 3 तो टोटल कैलकुलेट करले होची 100 कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्युलर मास होची 100 देन ताजेरु कैल्शियम रो कंट्रीब्यूशन केते ना कैल्शियम रो कंट्रीब्यूशन होची 40 देन केमती सॉल्व करिवार अछि 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 तो एटा भी जदि तमे फुल्ली सॉल्व कर दबो केते आसी जीवो कैल्शियम रो परसेंटेज कंपोजिशन 40% ठीक अछि तो ए टाइप रो क्वेश्चन आसीले मते लागु छै बे करि परबो तमे परसेंटेज कंपोजिशन आ मोल कैलकुलेशन ऊपर जदि से तमहु केबे क्वेश्चन पचारे आई थिंक तमे बे सॉल्व करि परबो देन आ गोटे इंपोर्टेंट पोर्शन रहउची जोटा की होउची तमरो केमिकल रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन विषय रे तमहु गोटे दिरा क्वेश्चन मु करे दउची देन बाकी क्वेश्चन तमहु मिलि जिवो तमे शेयर करनो देखो ओके एक क्वेश्चन गोटे ट्राई करो तुम्हें एक क्वेश्चन तुम सामने रे गोटे अछि एटा केमिकल रिएक्शन नो क्वेश्चन तो तुम्हें एक क्वेश्चन टा को ट्राई करो ए टाइप रो मेनली तमो क्वेश्चन आसुचे एग्जाम रे तो ए पर्टिकुलर टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करो देन कॉन्फिडेंस आसीबो कि मोल कांसेप्ट रे किछि भी क्वेश्चन पचारो तमे तापरे सॉल्व करि परबो
क्वेश्चन टिके टाइम नब कि जदि सॉल्व करि परिबो देन तमे मोल कांसेप्ट रो मैक्सिमम पोर्शन सॉल्व करि परिबो सी ऑप्शन 9.6 केजी ओके तृप्ति देखियो सॉल्व करबा को आंसर बार छु चेक करबा बाकी आउ कार को आंसर आछ कि शुभलक्ष्मी सी सौभाग्यने सी पायल सी एते जल्दी समस्त सॉल्व करनेलो सुनील सी आयुष सी हरिहर सी चंदन सी गेमर महेश सी 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 हो देखिया हमें ट्राए करिवा एथिलीन देचे तमे जानिचो एथिलीन एथिलीन किए CH2 डबल बॉन्ड वाला फर्स्ट मेंबर होची एथिलीन एथिलीन कौन आए गला ना C2H4 तो ये जेते बड़े कहा प्रेजेंस रे कंफ्यूज करूची ना ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळुची तमे जानि छो जेते बड़े हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळे जेते बड़े कोन बाहर है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है वाटर बाहर है पर्टिकुलरली ए पर्टिकुलर रिएक्शन को भल से देखो जेमति मु ए रिएक्शन को बैलेंस करूची बा जेमति मु ए रिएक्शन को सॉल्व करूची तुमको मैक्सिमम रिएक्शन ए भले वे रे सॉल्व करिवारे अछि तो यदि तमे एको बैलेंस करबो एकर साइड रे दुटा कार्बन अछि मुकर सैड दिटा कार्बन नहीं जाऊँच एकर सैड चार्टा हाइड्रोजेन अच्छे सेकर सैड चार्टा हाइड्रोजेन करेन कहला ना अक्सीजेन छाइला मुझे अक्सीजेन छटा करदेली एटा हूँ तुम बालांस केमिकल इक्वेशन C2H4 सहित तीन टा अक्सीजेन रिएक्ट करके तुमको दिटा कार्बन डाइऑक्साइड आउ दिटा वाटर मॉलिक्यूल दौंते यहाँ हूँ तुम बालांस इक्वेशन टा सी तुमको कौन कही कि तुम जो एथिलीन नहीं चो से 2.8 केजी एथिलीन जोटा नहींच से 2.8 केजी से कहला 2.8 केजी रि एथिलीन को तुम ऑक्सीजन प्रेजेन्स बर्न करुचो देन कौन क्वेश्चन पचार ऑक्सीजन दरकार हम तुम यदि 2.8 केजी सॉरी 2.8 केजी एथिलीन को ऑक्सीजन प्रेजेन्स बर्न करुचो देन तुमको केते ऑक्सीजन दरकार हम तो पर्टिकुलरली ए टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिवा पई हेले तमें तार बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिबो फास्ट देन कौन कैलकुलेट करिबो देन कैलकुलेट करिबो कि तमरो मोल सदा बेले मन रख जिते बेले कोनोसी केमिकल इक्वेशन देता है तमें केबे हेले ताकू वेट बेसिस रे जज करिबो नाही फास्ट तमें ताकू तार मोल को कन्वर्ट करिबो ता परे जाईकी तम इक्वेशन सहित ताकू कंपेयर करिकी तमरो फाइनल आंसर दबो तो फास्ट कथा से कौन करी ना एथिलीन नो मोल देची जेहेतु से एथिलीन नो मोल देची तमे कौन कैलकुलेट करिवो सॉरी जेहेतु से एथिलीन नो वेट देची तमे फास्ट मोल कैलकुलेट करिवो कारो ना एथिलीन नो मोल कैलकुलेट करिवो एथिलीन नो मोल केमति कैलकुलेट करिवो से देची तारो गिवन मास होची केते ना 2.8 केजी तो 2.8 केजी माने 2.8 × 10³ ग्राम एटा होची मोर कौन ना एथिलीन नो गिवन मास यदि मोल कैलकुलेट करी कौन करी ना गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एथिलीन नो केते C2H4 आर मॉलिक्यूलर मास केते हिजबो 28 ठीक है जी तो मु कौन करली ना 28 पकेली डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करली देन जमे दिया को सॉल्व करबो देन केते आसीबो आंसर तमरो 10^2 मोल पड़े आसो तुम आंसर कारण ये गोटे 10 आदर मल्टीप्लाई कर देले 28 कटिजी देन से पड़े आसो ना 10^2 मोल ता माने सी मत जी एथिलीन देला मीन्स 2.8 केजी रो जो एथिलीन एक्चुअली से 10^2 मोल रो एथिलीन अच्छे तो फास्ट कौन कर टाइप रो इक्वेशन रे फास्ट तुमको जो वेट दे तुम्हें आगे मोल को कन्वर्ट कर रिलेशनशिप देख रिलेशनशिप देख देख ये जो एथिलीन अच्छी आज जो ऑक्सीजन अच्छी भलसे देख तेरे
ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିଲିନ୍ ପଛକରେ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରିକ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଏକ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଛରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରିକ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ତିନି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରିକ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ନା ମୋର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ରେ କେତେ ମୋଲ୍ ର ଜିନିଷ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରିକ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ନା ମୋ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ରେ କେତେ ମୋଲ୍ ର ଜିନିଷ ସବୁ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତ ଏଇଠୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ର ଏଥିଲିନ୍ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ମତେ ତିନି ମୋଲ୍ ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ର ଏଥିଲିନ୍ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ମତେ ତିନି ମୋଲ୍ ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରେସିଓ ଅଛି 1:3 ର। ତ ସେଇଠୁ ତମେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏଥିଲିନ୍ କେତେ ଅଛି ରିଆକ୍ସନ ରେ ନା 10^2 ମୋଲ୍ ର ଅଛି, ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ ଦରକାର ହବ ନା ତା ତିନି ଗୁଣ ଦରକାର ହବ, କାରଣ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଯେତିକି ଏଥିଲିନ୍ ଅଛି ତା ତିନି ଗୁଣା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର। ତ ସିମିଲାରଲି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 10^2 ମୋଲ୍ ର ଏଥିଲିନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ମୋର କେତେ ମୋଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରିବ, ମିନ୍ସ କେତେ ମୋଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହବ ଆର ତିନି ଗୁଣ। ତିନି ଗୁଣ ମାନେ 3×10^2 ମୋଲ୍ ର କଣ ହବ ମୋର ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡିବ, 3×10^2 ମୋଲ୍ ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ମାସ୍ କେତେ, ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ମାସ୍ କେତେ କେତେ କୁହାହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ମାସ୍ 32 ଗ୍ରାମ, ଠିକ ଅଛି, କୁହାହେଇଥିଲା 32 ଗ୍ରାମ। ତ କଣ କରିବ ଏଇଟା ଯଦି ଗ୍ରାମ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବ, ସେ ଯେହେତୁ ୱେଟ ପଚାରିଛି କଣ କରିବ ନା ଆଧରେ 32 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ, ଏତିକି ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 96×10^2 ଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ତମେ କଣ କହିପାରିବ ନା 9.6 kg। ତ ଆନ୍ସର ସେ ପଚାରିଥିଲା କି କେତେ କଣ ହବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତମ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଦରକାର ହବ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କଣ କହିଲା ସେ ତମକୁ କହିଲା 2.8 ଗ୍ରାମ ର, ସରି 2.8 kg ର ଏଥିଲିନ୍ ଅଛି। ତ ତମକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି କୌଣସି ବି କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ ତମକୁ ମିଳିବ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ତା ୱେଟ ବେସିସ ରେ ଜଜ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଆଗେ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ କୁ କଣ କରିବ ନା ମୋଲ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବ, ମୋଲ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ କୋ ରିଲେଟ କରିବ। ତ ଏଥିଲିନ୍ ର ମାସ୍ ଦେଇଥିଲା 2.8, ତାକୁ ମୁଁ ମୋଲ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କଲି ହେଲା 10^2 ମୋଲ, ତାପରେ କଣ କରିବାର ଥିଲା ତମକୁ, ତାପରେ ତମେ ତାର ଷ୍ଟୋଚିଓମେଟ୍ରିକ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କୁ ରିଲେସନ ଖୋଜିବ କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଥିଲିନ୍ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ର ଦରକାର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମତେ ତିନି ମୋଲ୍ ର ଦରକାର ହଉଛି, ତା ମାନେ ତିନି ଗୁଣା ମତେ ଦରକାର ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଥିଲିନ୍ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିନି ମୋଲ୍। ତ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏଥିଲିନ୍ ଅଛି ଏତିକି ମୋଲ୍, ତା ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାର ତିନି ଗୁଣା ଦରକାର ହବ, ତା ମାନେ 3×10^2 ମୋଲ୍ ର ଦରକାର ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଥିଲି କି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ତାର ମାସ୍ ହଉଛି 32, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିନ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକୁଲ ତାର ମାସ୍ ହଉଛି 32। ତମ ପାଖରେ କେତେ ମୋଲ୍ ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ନା ଏତିକି ମୋଲ୍ ର ଦରକାର, ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ର ମାସ୍ କେତେ ନା 32, ଦେନ୍ ସେତିକି ମୋଲ୍ ର ମାସ୍ କେତେ ହବ ନା ସେତିକି ×32। ତ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ 32 ହେଲା 96×10^2 ଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ତମର ଆସିବ କେତେ 9600 ଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କେଜି ରେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ ସେଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା 9.6 kg। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ମଝିରେ ଜଏନ କରିଛ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିନବ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି, ତ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନବ ସେତେ ତମ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେସନ ଉପରେ ତମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କର, ଦେନ୍ ଆମେ ସେସନ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ତମେ ସଲ୍ଭ କରିକି ମତେ କୁହ କି ଆନ୍ସର କଣ ହବ। ଓକେ, ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର, ଏଇଥିରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି
कि कहिछि 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 द मास ऑफ एल्युमिनियम इन ग्राम केते एल्युमिनियम मते दरकार 1.5 मोल ऑक्सीजन को एल्युमिनियम ऑक्साइड को कन्वर्ट करिया पई ए पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस क्वेश्चन बढ़िया ही हम तुम ट्राए कर आपको सॉल्व करिया पई मुझे क्वेश्चन नॉलेज सॉल्व करुची तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राए कर जो तुमको देवी से सॉल्व करके मतलब आंसर दवा 2.7 श्रद्धा बी वर्षा बी मोनालिसा बी फिफ्टी फोर 54 तृप्ति सी फास्ट कौन करिवार अछि क्वेश्चन को भल से बुझिवार अछि से मते कौन कहै छी ना एल्युमिनियम ऑक्सीजन सहित कंबाइन होछि ठीक अछि एल्युमिनियम को मु ऑक्सीजन सहित कंबाइन करू छी किंतु मिलिबो मते कौन ता कहिबा अनुसार मते मिलिबो ता कहिबा अनुसार Al2O3 तमे जे ए इक्वेशन को बैलेंस करिया पय ट्राई करिवो जते बेले मोल ल कथा आसु छी सते बेले तुमको इक्वेशन बैलेंस ही दरकार त तमे जे आकु बैलेंस करिवो बी ऑप्शन ठीक अच्छे जदि तुम आपको बैलेंस कर देख एल्युमिनियम से साइड रे दीटा अच्छी एक साइड रे दीटा कर दोची ऑक्सीजन एक साइड रे तीनटा अच्छी एक साइड रे दीटा अच्छी मुझे 3/2 रे मल्टीप्लाई कर देले जदि ओटा मोर बैलेंस हो गला किंतु जेहेतु मु फ्रैक्शन रे रखी तो फ्रैक्शन को काटिया पई आथरे गोटे 2 टे मल्टीप्लाई करची तो ओवरऑल इक्वेशन मोर आसी जीवो 4Al + 3O2 गिव राइज टू 2Al2O3 गिव राइज टू 2 Al2O3 ठीक अच्छे तुम कौन है ना 4Al + 3O2 गिव राइज टू 2Al2O3 ठीक अच्छे तो सी मत क्वेश्चन कौन कही जो मोल ऑफ ऑक्सीजन सी मत क्वेश्चन ने कही मोल ऑफ ऑक्सीजन सी मत दे 1.5 मोल सी मत जो ऑक्सीजन न मोल दे 1.5 मोल क्वेश्चन ने मत पचार कि जो एल्युमिनियम दरकार हम सीए के ग्राम दरकार हम मत ठीक अच्छे जदि सी मत आंसर पचारुमिनियम मोर जो के ग्राम ररकार हम से तुम एल्युमिनियम ऑक्सीजन भितर रिलेशन देख एल्युमिनियम ऑक्सीजन भितर तुम रिलेशन देख जिते बड़े एल्युमिनियम चार अच्छी से ऑक्सीजन तुम तीन अच्छे चारिटा एल्युमिनियम को तुम तीन टा ऑक्सीजन दरकार किंतु तुमर ऑक्सीजन के ना देढ़ मोल अच्छी देल एल्युमिनियम के दरकार हम जदि तुम तीन टा जोटा से देढ़ मोल देन चारिटा तुम दुई मोल हम बोले जान पार जदि तीन टा हूँ तुम देढ़ मोल देन चारिटा तुम दुई मोल हम तेने एल्युमिनियम के दरकार आम को ना दुई मोल एल्युमिनियम दरकार जदि दि मोल एल्युमिनियम दरकार तुम समस्त जान एल्युमिनियम एटॉमिक मास होची एल्युमिनियम एटॉमिक मास होची 27 से तुमको क्वेश्चन भी देची कि एल्युमिनियम एटॉमिक मास होची 27 किंतु मु तुमको कहितली जेते बेले तुम्हें एटॉमिक मास को मोल को नहीं जीव से 27 ग्राम हो जीव तो दि मोल मास के गोटे मोल मास सीना 27 ग्राम दि मोल मास के हम ना 2×27 54 ग्राम क्वेश्चन से मत पचार कि केते ग्राम रो एल्युमिनियम दरकार हब ठीक अच्छे बुझी पार ना बुझी पार नी समस्ते बुझी पार ना बुझी पार नी ए टाइप रो क्वेश्चन आसिले बे करी परिबो
गोटे लास्ट क्वेश्चन तुम सामने रखुची ए पर्टिकुलर सेशन उपरे सेही क्वेश्चन टाकु सॉल्व कर दियो देन बाकी तुम जिते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो मूल कांसेप्ट उपरु सेते कांसेप्ट क्लियर हे एका जीवो एटा होजी तुम सामने रे नेक्स्ट क्वेश्चन आ लास्ट क्वेश्चन एटा को ट्राई करो सॉल्व करिया पे आंसर आसुची ए वन मोल ऑफ हाइड्रोजन तनुश्री मत कहीं लगुच आंसर आधे बी हम बोली देन ट्राई कर आउ थे श्रद्धा बी वर्षा एम फास्ट कथा हूँ तुम गोटे बालांस केमिकल इक्वेशन लिखी पारुच कि नहीं सेटा ही हूँ तादेरे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन तुम भलसे पढ़व ये क्वेश्चन को से कौन कही क्या क्या भितर रिएक्शन से तुमको कही जो बार मैग्नीशियम क्या सहित रिएक्ट करुची ना हाइड्रोजन क्लोराइड सहित रिएक्ट करुची सेते बेले कौन प्रोडक्ट बाहर से तुमको क्वेश्चन पचार तो जिते बड़े मेटाल एसीड सहित रिएक्ट करे ठीक है से कौन बाहरी ना मैग्नीशियम क्लोराइड बाहरी तुम जान तुम जी आपको बालांस कर देन कौन मिल तुमको तुम जी आपको बालांस कर देन तुम मिल यहाँ मिल जदि तुम ये केमिकल इक्वेशन को बालांस कर देन तुम मैग्नीशियम प्लस टू एच सी एल गिव राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन एटा तुम बालांस केमिकल इक्वेशन आसीजो कि क्वेश्चन तुमको कही कि जो मैग्नीशियम अच्छी तार वेट हूँ 12 ग्राम मुझको कही कौन सी केमिकल इक्वेशन था तुम्हें कौन कर आगे वेट को मोल को कन्वर्ट कर देन मोल ऑफ मैग्नीशियम के तुम गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट के मैग्नीशियम रहा 24 तो केसीगला ना हाफ मोल ताने मैग्नीशियम तुम अच्छी हाफ मोल रो यदि मैग्नीशियम तुम हाफ मोल अच्छी मैग्नीशियम और हाइड्रोजन भितर संपर्क देख मैग्नीशियम आ हाइड्रोजन भितर संपर्क देख कि मैग्नीशियम जिते बड़े एक से हाइड्रोजन भी तुम एक मान मैग्नीशियम जी हाइड्रोजन से तुम ये मैग्नीशियम बाहर हाफ मोल ताने तुम हाइड्रोजन के हाफ मोल से तो सी तुमको क्वेश्चन पचार कि केते मोल हाइड्रोजन बाहर बोली ठीक अच्छे तो आंसर आसीज हाफ मोल कहार प्रॉब्लम अच्छे कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्वेश्चन मत आंसर करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दबो कि जिते बड़े 20 केजी रो नाइट्रोजन 3 केजी रो हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करिवो अमोनिया फॉर्मेशन करिवो सेतेबेले केते अमाउंट रो अमोनिया फॉर्मेशन हो जेतेबेले 20 केजी रो नाइट्रोजन 3 केजी रो हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करिवो सेतेबेले केते वेट रो अमोनिया प्रोड्यूस हो एटा मते तमे कमेंट सेक्शन रे आरो आंसर करिवो ठीक अछि देन बाकी आमे नेक्स्ट सेशन रे डिस्कशन करिवा एतिक पर्यंत तमे भलसे सॉल्व करिवो ठीक अच्छे बाकी जहाँ क्वेश्चन अच्छी तुम यार आंसर मतलब कमेंट सेक्शन में जनदेव ठीक अच्छे।